देखा जो खा के तीर कमीगा की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये शेर आप अक्सर सुनते होंगे, और अक्सर जब कोई यार अपने ही यार के साथ यार मार कर देता है तो दुनिया वाले इस शेर को इस्तेमाल करते हैं। और अब जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक नया ड्रामा पिछले 48 घंटों से देखने को मिला है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के मजबूत तरीन दावेदार फखर जमान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से साइडलाइन कर दिया गया है, और एक ट्वीट रीजन करार दी जा रही है, जिसमें ये कुछ लोगों का ख्याल है कि बाबर आजम जो हैं वो पहले 7 टूर्नामेंट्स खा गए, यानी कि 7 टूर्नामेंट्स में उन्होंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की, लेकिन पाकिस्तान को नहीं जीतवा पाए, और अब वो पाकिस्तान का जो सबसे खतरनाक खिलाड़ी है वाइड बॉल फॉर्मेट के अंदर, उसका कैरियर भी खा गया है। सो आज की वीडियो में फखर जमान की जो कंट्रोवर्सी है उसके हवाले से कुछ नई चीजें अनफोल्ड हुई हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा बाबर आजम को इल्जाम दिया जा रहा है, लेकिन हकीकतन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए अपॉइंट होने वाले कप्तान मोहम्मद रिजवान इस वक्त कटहरे के अंदर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से यह भी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा फखर जमान ने भी एक यू टर्न लिया है। इनिशियली यह कहा गया कि फखर जमान रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, लेकिन अब फखर जमान ने एक धमाका किया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगेन फखर जमान ने आंखें दिखाई हैं, किस तरह से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा फखर जमान ही ने कल रात को एक मीटिंग की, और वो मीटिंग किस शख्सियत के साथ हुई, उसका इंपैक्ट पाकिस्तान की क्रिकेट और फखर जमान की क्रिकेट पर क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी आज की वीडियो में जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा दौरा ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम का बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, ये अगेन सवाल सामने आ रहा है कि देखिए फखर जमान T20 में नहीं है और सायम अयूब भी नहीं है, तो फिर एज एन ओपनर जो है वो बाबर आजम T20 क्रिकेट में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो स्टेटमेंट इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े के सामने आई है उसके मुताबिक मे भी बाबर आजम जो है वो एज एन ओपनर ना खेलें, तो फिर बाबर आजम किस पोजीशन के ऊपर खेलेंगे, इसके ऊपर भी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके अलावा घंटी वाला बटन जो है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बरवक्त पहुंच सके। और इसके अलावा आप सबसे एक गुजारिश है, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि मैंने कभी ड्यूरिंग वीडियो वीडियो को लाइक शेयर या कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने का नहीं कहा था, लेकिन राइट नाउ मेरा चैनल चूंकि शैडो बैन का शिकार हो चुका है, सो इसलिए मुझे आप सबकी जनाब जो मदद है वो दरकार है, आप सबकी सपोर्ट चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा चैनल जो है वो अनफ्रीज हो और अनबैन हो, तो फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट्स और अपनी राय जो है उसका इजहार कीजिएगा। और इसके अलावा वीडियो जो है, जो ये वाली वीडियो है, इसका टारगेट है 500 लाइक्स का, सो जनाब 500 लाइक्स जो है वो भी इस वीडियो के ऊपर आपने करवाने हैं। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब। सबसे पहले एक हैरत अंगेज फैक्ट जब मैं स्टोरी निकाल रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मेरे सामने आया, और वो हैरत अंगेज फैक्ट ये है कि शान मसूद साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान हैं, उनके डिप्टी के तौर पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो सर्विसेज दे रहे हैं वो हैं सऊ शकील। और सऊ शकील ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, और अब दौरे ऑस्ट्रेलिया पर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। और जो इनिशियल इंफॉर्मेशन सामने आई थी उसके मुताबिक जो गैरी क्रिस्टन हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको यह बताया था कि जो सऊ शकील हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जो मेरी असेसमेंट और मेरी प्लानिंग है उस प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर गैरी ने ही जो T20 क्रिकेट है उसमें मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के ऊपर सिग्नेचर नहीं किए थे, बल्कि वो किसी और को कप्तान बनाना चाहते थे। सो यहां से एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो देखने को मिलती है कि जहां पर अपनी मर्जी करनी थी
वहां पर गैरी को सामने रख लिया, और जहां पर बुरा बनाना था या कोई और डिसीजन लेना था वहां पर गैरी को कह दिया गया कि आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सऊद शकील, जो अब पाकिस्तान वाइड बॉल फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है, इन्होंने सितंबर के अंदर जो अपनी कंपनी है, जो मैनेजिंग कंपनी है, वो तब्दील की थी, और शेरी के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है और ऑथेंटिक न्यूज ये शेयर करते रहते हैं। अगर आप ट्विटर या एक्स के ऊपर हैं तो उस अकाउंट को लाजमी फॉलो कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी क्रिकेट खेली जा रही है उसके लेटेस्ट अपडेट्स, ये जनाब ऑथेंटिक शेरी के नाम से जो अकाउंट है ये शेयर करता है। सो इसको आप फॉलो कर लीजिएगा ट्विटर के ऊपर। सो इन्होंने ट्वीट की, और इनकी ट्वीट के मुताबिक सऊद शकील पार्ट वेज विद साया कॉर्पोरेशन ज्वाइंस फाइन एज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। अब सितंबर में सऊद शकील ने साया कॉर्पोरेशन के साथ अपना जो मामला थे वो खत्म किए और नई मैनेजिंग कंपनी जो है उसको ज्वाइन किया था। सो इस वजह से भी अब ये क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि कहीं जो सऊद शकील को पाकिस्तान टीम से बाहर निकाला गया है उसके पीछे, समझ गए ना, मैं नाम नहीं लूंगा। अब जनाब दूसरी जानिब आए फखर जमान, ट्वीट करते हैं फखर जमान बाबर आजम को कोरिलेट करके विराट कोहली के साथ, और इस ट्वीट के बारे में अब इजाज वसीम बाखड़ी साहब ने यह बात बताई है कि जैसे ही यह ट्वीट हुआ उसके फौरन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ऑफिशियल ग्रुप है वहां पर एक ओहदेदार ने स्क्रीनशॉट लेकर शेयर किया और कहा कि देखें ये क्या कर रहा है, इसको शोकाज नोटिस जो है वो होना चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर फौरन जो शोकाज नोटिस है वो जारी कर दिया। लेकिन ये जो ट्वीट हुआ ये फखर जमान ने नहीं किया, जो अब चीजें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक मुबैना तौर पर जो फखर जमान की मैनेजिंग कंपनी है साया कॉरपोरेशन, उन्होंने ये ट्वीट किया, और इस ट्वीट के बाद फखर जमान के लिए मामला तो खराब हुए लेकिन जो बेनिफिशियरी बना इस ट्वीट का वो ना बाबर आजम बना बल्कि मोहम्मद रिजवान बना। और मुझे अभी भी याद है जब आकिब जावेद अभी ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी का ओहदेदार नहीं बने थे, तो उनका जो लास्ट इंटरव्यू था सुनो न्यूज के ऊपर, वहां पर उन्होंने फखर जमान के लिए बात की थी, और उसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह भी बात की थी कि बाबर आजम मोहम्मद रिजवान एज एन ओपनर T20 क्रिकेट में खेलते हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो डिवेलप नहीं हो पाया। सो वही आकिब जावेद जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनने से पहले लास्ट इंटरव्यू में बाबर और रिजवान के हवाले से ये कहते हैं कि इन्होंने मिडल ऑर्डर डेवलप नहीं होने दिया, वो किस तरह से मोहम्मद रिजवान को कप्तान जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं, ये भी सवाल है। अब इसका जवाब सिंपली यह है कि जब फखर जमान के लिए पुश किया जा रहा था कि इसको कप्तान बना दिया जाए क्योंकि इसने सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दी हैं, तो ऐसे में फखर जमान का वो ट्वीट आ गया और वो ट्वीट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ग्रुप में शेयर हुआ, वहां से सारे मामलात खराब हुए और फखर जमान जो कप्तान बनने जा रहे थे वो टीम से ही बाहर कर दिए गए फिटनेस टेस्ट के नाम पर। सो इसी चीज को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि फखर जमान के साथ धोखा किया गया, और धोखा करने वाले कौन, मुबैना तौर पर जो उनकी मैनेजिंग कंपनी है, और अभी तक उनकी मैनेजिंग कंपनी जो साया कॉर्पोरेशन है उसका कोई रिस्पांस सामने नहीं आया। और एक ट्वीट उन्होंने मोहम्मद रिजवान के पाकिस्तान टीम के कैप्टन बनने के बाद की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो छड़ी है वो आगे फॉरवर्ड कर दी गई है, द बैटन हैज बीन पास्ड, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस आई एम रिजवान पाक इज आवर न्यू वाइट बॉल स्कीपर। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस ट्वीट के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वो ऑफ है। अब साया कॉर्पोरेशन को क्या जरूरत पड़ी कि वो ट्वीट करें पाकिस्तान टीम के कप्तान के बारे में और उसके नीचे से जो कमेंट सेक्शन है उसको ऑफ कर दें।
सो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखकर लग रहा है कि सिर्फ दाल के अंदर कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। और पूरी की पूरी प्लानिंग की गई मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाने की और फखर जमान को साइडलाइन करने की। और फखर जमान ने अब निचली ये खबरें आईं कि रिटायरमेंट लेने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन अब उनके जो सोर्सेज हैं उन्होंने कह दिया कि फखर जमान रिटायरमेंट नहीं लेगा, बल्कि फखर जमान ये कह रहा है कि अगर बाकियों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो अपना फिटनेस टेस्ट जो है वो क्लियर कर लें और कुछ खिलाड़ी अनफिट होने के बावजूद टीम का हिस्सा है, तो फिर मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा कल रात को फखर जमान ने एक मीटिंग की और ये मीटिंग है जनाब एक मैनेजिंग कंपनी के फाउंडर के साथ, और इंस्टाग्राम के ऊपर जो उस मैनेजिंग कंपनी के फाउंडर हैं उन्होंने फखर जमान की तस्वीर शेयर भी की। और ये मैनेजिंग कंपनी जो है वो सिर्फ यूनुस खान को मैनेज नहीं करती, बल्कि पाकिस्तान टीम के जो चंद खिलाड़ी हैं अभी भी पाकिस्तान टीम के साथ वो ऑन ऑफ खेलते हुए नजर आते हैं, इफ्तिखार अहमद भी उनमें से एक है, उनको भी ये मैनेजिंग कंपनी जो है वो मैनेज करती है। सो कल फखर जमान के भाई का ट्वीट आना कि साया कॉरपोरेशन से ताल्लुक तोड़ लिया है। उसके बाद रात को फखर जमान का एस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ के फाउंडर के साथ मुलाकात करना इंडिकेट कर रहा है कि फखर जमान जो हैं उन्होंने शायद अभी चूंकि ऑफिशियल नहीं हुआ और कंफर्म नहीं हुआ, इसीलिए मैंने शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो साया कॉरपोरेशन को छोड़ रहे हैं, और अब साया कॉरपोरेशन को भी अपनी जो स्टेटमेंट है वो सामने रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब 2023 में इनके ऊपर इल्जाम लगा था यही दिन थे कि जनाब मर्जी की और कुछ खिलाड़ियों के चूंकि साया कॉरपोरेशन के अंदर शेयर्स हैं सो उनको ऑन बोर्ड लेकर टीम तश्कील दी गई या मोहम्मद रिजवान के ऊपर इल्जाम लगा था 2023 में भी, तो तब उन्होंने अपना जो स्टांस है वो सबके सामने रखा था, लेकिन अभी तक ये खामोश है और इनकी खामोशी जो है वो मजीद जो चीजें हैं उनको हवा दे रही है। सो अब साया कॉरपोरेशन को सामने आना पड़ेगा 2023 की तरह, इनको अपनी जो स्टेटमेंट है वो सामने रखनी पड़ेगी, वरना जो इस वक्त परसेप्शन बिल्ड हो रही है कि फखर जमान के साथ यारमार की गई है वो सच लगने लग पड़ेगी। इसके अलावा बाबर आजम के हवाले से कुछ लोगों का यह ख्याल था कि चूंकि सायम अयूब और फखर दोनों पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है तो ऑटोमेटिक चॉइस जो है वो बाबर आजम है, लेकिन इसी स्क्वाड के अंदर साहबजादा फरहान भी हैं और साहबजादा फरहान लास्ट ईयर या बल्कि लास्ट ईयर कह रहा हूं इसी साल जब लाहौर कलंदर्स के लिए खेले तो एज एन ओपनर उन्होंने बैटिंग की थी, हालांकि इस टीम के अंदर अब्दुल्ला शफीक भी थे जो लास्ट सीजन में एज एन ओपनर खेले थे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक के होते हुए साहबजादा फरहान का ओपन करना, अब उसी चीज को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी अटैच किया जा सकता है कि बाबर वन डाउन पर ही खेलेंगे और जो साहबजादा फरहान है वो पाकिस्तान टीम के लिए ओपनिंग करेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया। अल्लाह।